सील क्या होता है? सील सदाचार या कोड ऑफ मॉरल जिटी को बोलते हैं, यानी मॉरल जो हमारी एजुकेशन होती है उसके जो रूल्स होते हैं, उसके जो नियम होते हैं सदाचार के, उनको हम सील बोलते हैं। वचन और कम यानी काम को अगर सम्यक तरीके से करेंगे, ठीक तरह से करेंगे और इसको धारण करने वाली जो चेतना हमें बार बार ये कहेगी कि अब ये काम ठीक है, इसे करिए, और मन को और माइंड को लगातार आपको विजिल रख के 365 दिन और 24 घंटे जन्म से लेके और मृत्यु तक जो मन को और माइंड को ये निर्देशित करता है कि ये चीज़ ठीक है, ये काम ठीक है और ये जो वचन है यानी जो वाणी है जो हम बोल रहे हैं ये ठीक है, वो सील होते हैं। यानी सील का काम है कि आपके मन को और माइंड को 24 घंटे अलर्ट रखेगी 365 दिन जब तक आप मरेंगे नहीं, कि आपका जो बोला जा रहा है वो और जो आप काम कर रहे हैं वो सम्यक है, अच्छा है, पूरा है, ठीक है, उसको सील कहते हैं। सील बेसिकली, सीलों का जो स्थान है पाली के अंदर वो बहुत ऊंचा है। भिक्कुओं के लिए 227 सील बताए हैं, बड़ा और घट भी सकते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर कुछ नियम बेकार हो जाएं तो उनको हटा देना, कुछ नियम जुड़ भी सकते हैं। जैसे मादक पदार्थों के जो सील हैं उसमें, उस समय मादक पदार्थों में इतने पदार्थ नहीं थे जितने आज की डेट में हैं, यानी व्यभिचार बहुत सारे बढ़ गए हैं तो व्यभिचार भी उसमें आते हैं। भिक्कुओं के लिए 311 सील हैं, यानी कि 227 भिक्कुओं के लिए हैं और 311 सील भिक्कुओं के लिए हैं। ये अधिकतर सील जो पालन करने होते हैं ये टीचर्स के लिए पालन करने होते हैं, जो टीचर्स सीखते हैं और सिखाते हैं, जिनको भिक्कु या मंक बोलते हैं, भिक्कुणी, स्थिवर या महास्थिवर, थेरा या थेरी बोलते हैं। सील तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उपोषित सील, एक होते हैं चारित्र सील और एक होते हैं वारित्र सील। उपोषित सील का मतलब है उपपोषित, उपोषित का मतलब है उपपोषित, यानी कि जो एजुकेशन आपने ली है बुद्ध से उसको आप पोषित और करेंगे। आपने सीख ली है, पोषित हो चुकी है, मगर उपपोषित करनी है, उसको उपोषित बोलते हैं। उपोषित सील के अंदर आपको मिनिमम 8 सील मानने पड़ेंगे, 8 नियम मानने पड़ेंगे और 10 नियम भी होते हैं। बाद में, पहले ये भिक्कुओं के लिए था, बाद में इसमें जो उपासक यानी गृहस्थ लोग थे वो भी शामिल होने लगे। ये उपोषित लगभग महीने में 4 बार होता है, अमावस को और पूर्णमासी को होता ही है। इसमें सारे सील मानने जरूरी हैं तभी आपको उपोषित का फायदा होगा। जो चारित्र सील होते हैं उनको बोलते हैं चरित्र सील यानी करेक्टर सील, यानी कि जो आपका चरित्र को ठीक करके रखेंगे, जो आपके चरित्र को हनन से, नुकसान से बचाएंगे, जो उसको विजेता बनाएंगे। इस सील के पालन ना पालन करने से नुकसान कुछ नहीं होता, ये ऐसे सील होते हैं, मगर अगर आप पालन करेंगे तो आपका चरित्र बनेगा। यानी कि आप ये देखिए कि जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, आप कूड़े को नहीं उठाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मगर अगर आप कूड़े को साइड कर देंगे या कोई पत्थर पड़ा हुआ है उसको साइड कर देंगे तो आपका करेक्टर का, आपके चरित्र का निर्माण होगा जो बॉडी के अंदर काम आता है। आप कहीं गंदगी है उसको फैला के आते हैं, या गाड़ी में बैठे हुए हैं आपने पानी की बोतल बाहर फेंक दी या केले के छिलके बाहर फेंक दी, इससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा, मगर अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपका चरित्र बनेगा, आपका चरित्र बनेगा, उसको चरित्र बोलते हैं, चरित्र सील बोलते हैं। और एक होते हैं वारित्र सील। वारित्र सील का जो मतलब है वो है जो व्रत रहने के सील होते हैं, नियम होते हैं। जो पहले 5 सील हैं जिनमें उपासक के लिए और आम आदमी के लिए बताए जाते हैं वो वारित्र सील होते हैं। वो पांचों के पांचों जिनको पंच सील बोलते हैं वो आपको मान नहीं है, उनमें से आप एक भी सील नहीं छोड़ सकते। अगर आप पांचों सील मानेंगे तो फायदा होगा, अगर 4 सील मानेंगे और एक छोड़ देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। वो कंपलसरी होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उनको वारित्र सील बोलते हैं और वो स्पष्ट रूप से सभी के लिए होते हैं, उपासक के लिए भी और भिक्कुओं के लिए भी। इस प्रकार ये जो सील होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सील समाधि प्रज्ञा जो 8 अंगों का, 8 फोल्ड का जो पाठ है बुद्ध का, कंप्लीट जो धम्म जिसमें आता है, उसके सील सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। सील होंगे आपके पास तो ही आपकी समाधि होगी, तभी आपकी प्रज्ञा होगी। धन्यवाद।